शौकत अंकल। ओ रहान बेटे, आ जाओ, खुश आमदीद। अरे रुक, आ जाओ, बैठो बैठो बेटा। अरे जबरदस्त, तुम आए, बहुत खुशी हुई, बैठो। आप कैसे हैं शौकत अंकल? भाई मैं तो ठीक हूँ, बस तुम बताओ, काफी दिनों बाद नजर आ रहे हो, कहाँ गए हुए थे? जी वो मेरे और सानिया के बीच छोटा सा एक मसला हो गया था। हाँ याद आया मुझे कि मेरी बेटी ट्रे लेकर तुम्हारे पीछे भागी थी और तुम्हें मारा भी था उसने। वैसे हुआ क्या था ये बताओगे? कुछ खास नहीं, बस छोटी सी गलत फहमी हो गई थी उसे। हाँ बस गलत फहमी। तुम्हारे बाबा कैसे हैं? वो बिल्कुल ठीक हैं और वो तो आपसे मिलने भी आना चाह रहे थे। कौन मिलने आएगा? मैं कुछ समझा नहीं। वो सानिया से मिलने आएंगे। मेरी अम्मी की कल अनीसे आंटी से बात हुई थी ना। क्या वाकई ये बात हुई थी? वैसे इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता बेटा। हम उसी वजह से आना चाह रहे हैं। उस वजह से? ठीक है, जरूर आओ। हाँ जरूर आओ, कोई मसला नहीं। खुदा हाफिज़ शौकत। अरे बेटा जज्बाती ना हो, अपने अब्बू को सलाम कहना। कैसी हैं अनीसे आंटी? बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया बेटा। अरे इससे क्या हो गया, ये क्यों इतना खुश गया है यहाँ से? अनीसे तुम उसे छोड़ो, यहाँ आकर बैठो। आ जाओ बैठो। तुमने रिफत की माँ का कहकर किसी और की तस्वीर क्यों दी है, बताओगी इसकी वजह? हाँ तो गलत क्या है इसमें, उसे असली तस्वीर दे देती क्या मैं? देने की जरूरत क्या थी, झूठी तस्वीर देने के बजाय मुझसे पूछ तो लेती। हाँ अपने झूठ में हिस्सेदार बनाने से पहले पूछा था क्या तुमने मुझसे? अब बस जैसे चल रहा है उसे चलने दो। अच्छा एक मिनट, ये सब कुछ तुमने परवीन के कहने पर किया है ना? ऐसा कुछ नहीं, रिफत ने जब मुझसे तस्वीर का तकाजा किया तो मुझे लगा शायद यही सही होगा। बस कर दो अनीसे, बस कर दो, जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, झूठ बोल रही हो तुम। अच्छा जा कहाँ रहे हो? इस ख्याल के असल मालिक से हिसाब मांगने के लिए जा रहा हूँ। ओहो शौकत रुक जाओ, सुनो तो सही। अरे आज हम यहाँ फिर आ गए। तुम उस दिन उदास हो रही थी ना कि तुम उस घोड़े की सवारी नहीं कर सकी, तो आज कर लेना ठीक है? दुनिया के सबसे अच्छे बाबा मेरे बाबा है। और मेरी प्यारी बेटी तुम मेरे लिए सबसे अनमोल हो। बाबा क्या मैं अंदर चली जाऊँ? हाँ जाओ। ये निजात तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, लग नहीं रहा क्या? नहीं तो बिल्कुल लग रहा है। मैं माहिरा के कपड़े निकाल लूं। तुम उस घोड़े पर बैठ गई, शाबाश मेरी बेटी, शाबाश, जबरदस्त। चलो जाओ और सबको दिखाओ कि घोड़सवारी कैसे करते हैं। माहिरा घबराओ नहीं, तुम पुरसुकून हो जाओ ठीक है? अगर घोड़े ने तुम्हारा डर महसूस कर लिया तो वो परेशान हो जाएगा, सुना तुमने? आगे बढ़ो। हाँ ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अगर तुम मेरी बात सुनती रही तो सब ठीक चलेगा। शाबाश मेरी प्यारी बेटी, शाबाश, जबरदस्त मेरी प्यारी बेटी, शाबाश मेरी प्यारी बेटी। निजात क्या कुछ हुआ है? नहीं तो देखो, बच्ची अकेले सवारी कर रही है, माहिरा खुद कर सकती है, उस औरत को साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। हाँ जब वो आदी हो जाएगी तो कर लेगी, तुम्हें जल्दी किस बात की है? तुम यही रुको, उसे अपने डर का सामना करना होगा। निजात क्या कर रहे हो तुम? माहिरा बाबा की जान, तुम खुद सवारी कर सकती हो है ना, ये अकेले सवारी करेगी, आपको रोकने की जरूरत नहीं है। अगर ये कर सकती है तो मुझे कोई एतराज नहीं, डरोगी तो नहीं माहिरा? अगर अगली बार कर लूं तो? अगली बार क्यों, अभी क्यों नहीं बेटा,
अभी मुझे थोड़ा डर लग रहा है। डर किस बात का है? डरने वाली कोई बात नहीं है। ये लफ्ज तुम पर बिल्कुल नहीं जच रहा। क्या तुम भूल गई कि हम मायरा मॉन्स्टर हैं? तुम एक बहादुर लड़की हो, तुम कर सकती हो। मॉन्स्टर को भी डर लग सकता है? नहीं लगता। मॉन्स्टर को डर नहीं लगता। डरो मत। अब अपने डर का सामना करने का वक्त आ गया, सुन रही हो ना तुम? बाबा मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं कर सकती। आप छोड़िए इसे, मायरा खुद करेगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम ना कर सको, सुना तुमने? मेरे ख्याल में जबरदस्ती ना करें, मायरा को खुद फैसला करने दें। बाबा मुझे डर लग रहा है, उतरना है मुझे। तुम नीचे कैसे उतर सकती हो? तुम नहीं उतरोगी। अगर तुम अभी घोड़े से उतर गई तो फिर तुम कभी इस पर नहीं बैठ सकोगी। मेरी जान, तुम्हें नीचे उतरना है। हाँ? मुझे नीचे उतरना है बाबा, नहीं उतरने दे रहे। इधर देखो, तुम नीचे नहीं उतरोगी, तुम हार नहीं मानोगी, सुना तुमने? अम्मी तुम जान, क्या हो गया निजात? आ जाओ मेरी जान। अम्मी अम्मी करके रो मत, मैं दोबारा नहीं सुनूं, सुना तुमने? निजात क्या हो गया? समझी? होश में आओ जरा। आ जाओ इधर, आओ मेरी जान। अब अच्छा लग रहा है तुम्हें? मैं माफी चाहती हूँ। अरे बेटा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने बाबा को गुस्सा दिला दिया। मेरी जान, तुम ऐसे तो ना रो, तुम्हें देखकर मेरा भी दिल दुख रहा है। मैं जान बुझ के नहीं रो रही, खुद ही रोना आ रहा है। मेरी जान देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे बाबा की गलती है। जब उन्हें एहसास होगा तो वो तुमसे आके खुद माफी मांग लेंगे, देख लेना। बाबा मुझ पे इतना गुस्सा क्यों हो गए? मैंने कहा ना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे बाबा थोड़े परेशान है बस। तुम देखना, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ मेरी जान, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो अब तुम रोना बंद करो। शाबाश मेरा बेटा। ये मुझे बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा। हाँ, बच्चों के साथ ऐसा कौन करता है भला? क्या मसला, क्यों देख रहे हो? कुछ कहना है क्या? बच्ची के साथ बहुत गलत किया आपने। अच्छा, तुम्हें ज्यादा पता है? मैं भी एक बाप हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। अगर तुम बाप हो और तुम्हें इतना ही कुछ पता है तो जाकर अपने बच्चे को संभालो, हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ। बच्चों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता। ये क्या लगाया हुआ है तुम लोगों ने? हाँ, तुम सिखाओगे मुझे बाप बनने का सबक? हाँ, मैंने पूछा कि मेरी बेटी के साथ मुझे कैसे पेश आना है, तो आप से बात नहीं कर सकते? हटो, समझते क्या हो खुद को? भाई आराम से बात करो, हो क्या क्या है तुम्हें? तुम मुझे सिखाओगे? हाँ, तुम सिखाओगे मुझे? आओ मैं सिखाता हूँ कि बाप कैसे बनते हैं। हेलो, बोल रहा हूं? ठीक है, मैं निकल रहा हूं। पूछू, मैं जा रहा हूं। क्या कुछ हुआ है? निजात का झगड़ा हो गया है, वो पुलिस स्टेशन में है। क्या कहा निजात साहब? निजात के साथ कोई मसला हुआ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सारकान, कोई परेशानी की बात होगी तो मुझे बताओगे ना तुम? हम दोस्त हैं। जरूर बताऊंगा तुम्हें, लेकिन अभी मैं जल्दी में हूं, जाना है मुझे। ये तो अच्छा हो गया रिफत कि हांदे साहिबा ने इजाजत दे दी मुझे तुम्हारे लिए, और अब तुम मेरे लिए ही काम करोगे। तुम क्या कहते हो इस बारे में? सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं बैरन साहिबा। वैसे मैं कुछ बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन हांदे साहिबा के साथ काम करना काफी मुश्किल हो जाता। तो फिर ये तुम्हारे लिए अच्छा हो गया? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ। हम पहुंच गए। रिफत, तुम यहाँ गाड़ी मत रोकना, मुझे थोड़ा आगे जाना है। अब आगे आगे जाकर उतर जाऊंगी मैं। आप ठीक तो है ना बैरन साहब? ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। मुझे यहाँ पर एक काम है,
तो तुम मेरा इंतजार मत करना। बैरन साहिबा, मैं आपका वहाँ पर इंतजार कर लूंगा। नहीं नहीं, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं। बिला वजह सहमत होगी, परेशान ना हो, ध्यान से गाड़ी चलाना, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पता नहीं क्या हुआ। यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम शौकत? तुम क्या हमेशा दबे पांव ही आती हो परवीन? क्या दोबारा मुझसे यहाँ लड़ने के लिए आए हो शौकत? जो आखिरी दफा तुमसे बात हुई थी, मुझे लगा तुम्हारा गुस्सा थोड़ा कम हो गया होगा, मगर हमेशा की तरह इस दफा भी गलत साबित हुई मैं। आखिर तुम क्यों हमें अपने इशारों पर नचाना चाहती हो? क्यों तुमने रिफत को माँ के धोखे में किसी और की तस्वीर देने को कहा था? आखिर तुम चाह क्या रही हो, इस बारे में बताओगी मुझे? देखो, मैं तुम्हें खबरदार कर चुका हूँ, हमसे दूर रहना, मेरे घर में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करना। लेकिन तुम अपनी मनमानियाँ खत्म नहीं कर रही हो। कौन माँ ऐसी हो सकती है जो अपने बच्चे को किसी और की तस्वीर देकर कहे कि वो तुम्हारी माँ है? बस ठीक है शौकत। क्या ठीक है? मुझे जब तक अपने सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम अपनी शातराना चालों के जरिए क्या चाह रही हो। परवीन, परवीन, आंखें खोलो परवीन। क्या हुआ तुम्हें? निजात, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेने आऊंगा। तुम्हारी इस हरकत ने आज मुझे हैरान ही कर दिया। क्या कर रहे हो यहाँ? जख्मों पे नमक छिड़कने आए हो? सोना ने बताया मुझे। आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो निजात? निजात, मेरे दोस्त, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत ठीक नहीं, तुम्हें खुद को संभालना होगा। माहिरा तुम्हें ये सब करते हुए देख के बहुत डर गई है, कम से कम उसकी खातिर खुद को संभालो। माहिरा मेरी तरह बहुत मजबूत लड़की है, ऐसा कुछ नहीं जिस पर वो काबू ना पा सके। ये हो क्या गया है तुम्हें निजात? हाँ देख लोगे तुम, अब चलो। सच कहूं तो तुम्हारे कॉल करने पर बहुत हैरानी हुई। तो बताओ, खैरियत है? क्या तुम ठीक हो? तुम वाकई जानना चाहते हो? वाकई जानने में दिलचस्पी है कि मैं ठीक हूं या नहीं हूं? हाँ। जानते हो मैं क्या देख रही हूं? कि किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, सिवाय तुम्हारे किसी ने नहीं पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं। क्या तुम संजीदा हो? बिल्कुल। एक कलीग ने पूछा था मुझसे, असल में वो हमारी नई पार्टनर है, मगर असल में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम भी बस यूं ही पूछ रहे हो? मुझे लगता है तुम दर हकीकत एक ऐसी लड़की हो जो बहुत हसास है, नाजुक मिजाज वाली, इसलिए अपने साथ नाइंसाफी ना करो। मुझे बस कल के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था मुझे रोकने के लिए। ठीक कहा था, बिल्कुल शुक्रिया। बाज़ औक़ात हमें खुद को खुद से ही महफूज रखना होता है, वरना हम ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसका इरादा तक नहीं रखते। खुद पर काबू रखना पड़ता है। ऐसे ही लग रहा है, यानी बहुत गुस्सा आ गया था मुझे, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। देखा था मैंने। तो फिर मुझे उस वक्त मुझसे बचाने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, तुम्हें खुद से महफूज करने की इजाजत देने के लिए। क्या बाबा इसलिए गुस्सा हो गए कि मैंने घोड़े पे अकेले सवारी नहीं की? नहीं मेरी जान, वो इस बात पर बिल्कुल गुस्सा नहीं थे। बाबा बहुत गुस्से में थे और उन्होंने दूसरे आदमियों से भी झगड़ा किया। देखो, बाज़ औकात बड़ों में भी झगड़ा हो जाता है जो वो बाद में सुलझा भी लेते हैं। तुम्हारे बाबा नहीं चाहते थे कि तुम वो सब देखो। मैंने उन्हें पहले कभी इस तरह नहीं देखा। बाबा मुझ पर फिर से तो गुस्सा नहीं करेंगे ना? बिल्कुल नहीं। तुम इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं सोचो, ठीक है? कभी कभी बड़ों से भी गलतियां हो जाती हैं। तुम्हारे बाबा को किसी और बात पर गुस्सा था। किस पर? तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है।
बाबा आ जाए तो बात कर लेना। कब तक आएंगे बाबा? शायद आने वाले होंगे। ये वही पोनी है जिस पे तुमने सवारी की थी? नहीं, ये वो है जिसकी माँ नहीं है। मगर वो दूसरी उसकी माँ बन तो गई थी, तो अब वही उसकी माँ है। मगर वो उसकी अपनी माँ तो नहीं है ना? तो फिर जब उसे पता चलेगा कि वो उसकी असली माँ नहीं है तो वो तो उदास हो जाएगी। हाँ ऐसा ही है, उसे लगेगा कि उसे धोखा दिया गया है। वो उसकी असल माँ नहीं है, उसे उसकी असल माँ चाहिए। वो ये जानकर दुखी हो जाएगी कि उसे धोखे में रखा गया। हाँ बहुत दुखी हो जाएगी, बहुत। इसीलिए उसे पता नहीं लगना चाहिए कि उसकी माँ कोई और है। आप क्यों रो रही हैं अम्मी? मैं रो नहीं रही मेरी जान, मेरी आंखों में पानी आ गया। तुम्हारी कहानी सुनकर जज्बाती हो गई। बाबा बस आने ही वाले होंगे। आपको क्या लगता है वो अभी भी गुस्से में होंगे? नहीं, मैं तुम्हारे बाबा से बात कर लूंगी, फिर वो तुम्हारे पास आएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। तब तक तुम ये कंप्लीट कर लो। ठीक है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं भी आ रहा हूं। मैं ठीक हूं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। कुछ वक्त अकेले रहना चाहता हूं मैं। निजात मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, पर मुझे है। गुस्सा कुछ कम हुआ? गुस्सा कम नहीं हुआ, इसे अकेले मत छोड़ो। ठीक है। निजात, माहिरा कहाँ है? अपने कमरे में। अंदाजा है कि वो इस वक्त कितनी परेशान है। पहले मुझसे बात करो। मुझे उससे अकेले में बात करनी है। बिल्कुल नहीं। क्या तुमने अपना हुलिया देखा है? आईने में शक्ल देखी है अपनी? माहिरा ने आज वो सब कुछ देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। क्या समझ आ रहा है तुम्हें? मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है, हटो मेरे रास्ते से। अरे निजात, जाकर क्या कहोगे उससे? हाँ, यही कि जो तुम्हारी असली माँ है वो आज मुझसे तलाक मांग रही है, और ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए उसका सारा गुस्सा तुम अपनों पर निकाल रहे हो। ये तुम्हारा मसला नहीं है, हटो। तुम्हें जो मर्जी करना है करो निजात, मगर तुम माहिरा को इस सब चीजों से दूर रखो। अपनी सांप का बीवी के साथ जो करना है करो, मगर माहिरा को बीच में मत लाओ। जिसे तुम मेरी सांप का बीवी कह रही हो वो माहिरा की माँ है, एक ऐसी माँ है जिसे माहिरा के वजूद की परवाह ही नहीं है। तो इसमें माहिरा का क्या कसूर है? मेरी मासूम बच्ची का कोई कसूर नहीं, मैं बस उससे अब और झूठ नहीं बोलना चाहता। सोना, देखो तुम दो दिनों से अपने होश में नहीं हो, बगैर सोचे समझे कुछ भी किए जा रहे हो। समझ रहे हो ना, तुम आज जो कुछ भी कर रहे हो उसके लिए तुम्हें कल पछताना पड़ेगा। वो बच्ची 6 साल की है, कुछ ख्याल करो उसका। मेरी बेटी बहुत बहादुर है। तुम्हारी जैसी माँ की शख्सियत बनाना शुरू से ही गलत है, जिससे वो प्यार कर सकती है। मैं उसे सब बता दूंगा कि उसकी असल माँ क्या और कैसी है। तुम सच में उसे सब बताना चाहते हो? हरगिज नहीं। तुम होती कौन हो सोना? मुझे रोकने वाली तुम होती कौन हो? हटो मेरे रास्ते से। रुको जरा, फजूल बातें मत करो। हाँ, बात मेरी नहीं है, तुम एक ऐसी गलती कर रहे हो जिसपे तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। सोना, मैं झूठ बोलते बोलते थक गया हूँ। मैंने उसे तुम जैसी प्यार करने वाली हंसी से मिलाया जैसे तुम उसकी माँ हो, पर क्या वो ऐसी है? वो अपनी बेटी को छोड़कर चली गई, मुझे छोड़कर चली गई, नजरअंदाज किया हमें यहाँ अकेला, छोड़कर वो नई जिंदगी शुरू कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और तो और, वो भी बिल्कुल आजादी के साथ। मैं जाकर माहिरा को सब कुछ सच बताऊंगा। उसे ये पता होना चाहिए कि उसकी माँ असल में कैसी थी। हो सकता है कि उसका दिल टूट जाए, लेकिन उसके पास मुझे माफ करने का वक्त होगा, इस हकीकत को कबूल करने का वक्त होगा उसके पास। हटो मेरे रास्ते। ऐसा नहीं करोगे। करूँगा, पहले ऐसा ना करके मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। हटो। निचोत, चुप करो, बस बहुत हो गया। इस वक्त माहिरा अंदर है, हम इस वक्त माहिरा की बात कर रहे हैं जो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी जान है, तुम्हारी सब कुछ है। क्यों समझ नहीं आ रहा तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उठो चलो यहां से, कहीं माहिरा तुम्हें देख ना ले। कहां जाएंगे हम?
तुम जानते हो कि हमें कहां जाना चाहिए। जहां आइलन को आखिरी बार देखा था तुमने, उस दिन से आज तक मैं वहां नहीं गया, मगर अब वहां जाना होगा। हो सकता है वहां सब कुछ बदल चुका हो, पहले जैसा कुछ ना हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें जाना होगा। अगर तुम बेहतर महसूस नहीं कर रहे तो कुछ देर हम यहां बैठ सकते हैं। सही कहती हो, चलो आओ चले। हेलो मिलोश, कैसी हो? क्या लेकिन मुझे सानिया से तो पहले बात कर लेने देती, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? अच्छा वाकई, अल्लाह मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्या हुआ? हाँ ठीक है, बाद में मिल के बात करते हैं। फिर इतनी परेशान क्यों है, बताएं क्या हो गया आपको? औरहान आने वाला है तुम्हारा रिश्ता लेके। क्या? और तुम्हारा बाप भी ये बात जानता है, ऐसा मिलोश कह रही थी। तो मेरे बाबा को भी मालूम है, मतलब हर चीज तय हो गई है। अनीसे आंटी, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा, आपको जरा भी अंदाजा है कि आपने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है? लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, वो तो सब कुछ खुद ही तय कर चुका है। बाबा को मालूम है तो मैं उन्हें कॉल करती हूँ। रिसीव नहीं कर रहे वो। बस इसी चीज की कमी रह गई थी। अल्लाह अल्लाह। परवीन, तुमने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया, लेकिन डॉक्टर को तो बुलाने देती। ठीक हूं मैं शौकत, अब तुम इस तरह मेरी पहरेदारी करना बंद कर दो प्लीज, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे। और तुम मुझे जिद्दी कहती हो? हाँ पता है, पुराने दिनों की तरह बात कर रहे हो मुझसे। मुझे फौरन डॉक्टर का नंबर दो, शाबाश। कितनी दिलचस्प बात है ना, देखो मैं तुमसे बहस करने की भी काबिल नहीं। क्या अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? मुझे लगा इस हालत में देखकर तुम खुश होगे। बिल्कुल नहीं परवीन, मुझे तुम्हारी उल्टी सीधी हरकतों पर गुस्सा आ रहा है। रिफत को गलत तस्वीरें देने का क्या मतलब है, ये नाकाबिले यकीन है। ये कहानी तुमने ही सुनाई है उन्हें कि तुम लोगों की माँ इस दुनिया में नहीं रही, मर चुकी है। इस बारे में क्या कहोगे, क्या ऐसे धोखा देना नहीं कहते? आखिर तुम दोबारा क्यों आई हो परवीन, क्यों आई हो आखिर? तो तुम्हें लगा था कि मैं वापस नहीं आऊंगी? हाँ लगा था मुझे, मगर देखो तुम भी भुला नहीं सके मुझे, याद करते थे मुझे तुम। मैं इंसानियत के नाते ये सब कर रहा हूं। मगर मैंने तुम्हें बहुत याद किया शौकत, तुम्हारा जिद्दीपन, गुस्सा करना, उसके बाद नरम पड़ना और माफी मांगना। ऐसा लगता था जैसे मैं तुमसे कभी दूर गई ही नहीं। ये मानना इतना मुश्किल क्यों है तुम्हारे लिए कि हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। तुम और मैं उन्हीं प्यार भरे लम्हों में हमेशा जीते रहे शौकत, नहीं भूले एक दूसरे को। मान क्यों नहीं लेते ये? तुम यहां पर आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। बस थोड़ी देर में आया।
कैसा लग रहा है यहाँ आकर? हर चीज अपनी जगह कायम है, जानती हूँ। सच में ऐसा ही है? वो आइसक्रीम वाला अभी वहां मौजूद है, ऐसे जैसे वक्त रुक गया हो। क्या यहां बैठे? ठीक है। बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था मैं सोना। मैं माहिरा को तकरीबन बता ही देने वाला था। तुम ऐसा नहीं कर सकते थे। शुक्र है कि तुम पास हो, तुमने मुझे ऐसा करने से रोक लिया। मेरी जगह तुम होते तो तुम भी यही करते। उस थप्पड़ के लिए माफ कर देना। सही किया, मैं अपनी नजरों में गिर गया हूं। मुझे खुद भी तवक्को नहीं थी कि मैं। तुम ठीक कह रहे हो, बिल्कुल तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं। बाज़ औकात हमारी आजमाइश वहीं से होती है जहां से उम्मीद नहीं होती। देखो आज हम लोग कहां हैं, कितना अजीब है ये सब कुछ। मैं समझ रहा हूं तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ उसे वहीं दोबारा खत्म होने दो। देखो निजात, तुम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हो जिसे सोचकर तुम्हारी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। माहिरा की माँ अचानक इतने सालों बाद तुम्हारी जिंदगी में वापस आ रही है। इतने सालों में कभी ना मिलना, तुम्हारी किसी भी फोन कॉल्स का जवाब ना देना, और जो कुछ वो चाहती है वो तो पूछो ही नहीं। उसने कभी मुझसे नहीं पूछा कि माहिरा कैसी है, उसे उसकी कोई परवाह नहीं। वो तुम्हारी बेटी है, बेटी। उसे हम उसकी जिंदगी की रुकावट लगा करते थे और फिर वो हमें एक भूल समझकर छोड़कर चली गई। अब वो तलाक लेकर सब भूल जाना चाहती है और ये सोचकर मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हें उसके बारे में बात करने नहीं लाई, और ना ही तुम्हारे फैसले को आसान बनाने। मैं यहां उस शख्स के बारे में बात करने के लिए आई हूं जिसे मैं जानती हूं। निजात, तुम्हें गुस्सा आइलैंड पर नहीं बल्कि खुद पर है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा झगड़ा खुद से है। आइलैंड तो बस एक तस्वीर है जो तुम्हें तकलीफ देती है, और आइलैंड वही है जिसने अपनी बच्ची की जरा भी फिक्र नहीं की और उसे तुम्हारे सहारे पर छोड़कर चली गई। मुझे हर उस लम्हे से नफरत है जब मैंने उससे मोहब्बत की। ना करो, तुम ही वो शख्स हो जिसे उससे प्यार हुआ था। निजात, पता नहीं उसे मुझसे मोहब्बत थी भी या नहीं, न जाने मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो वो मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हारे अंदर का जो मासूम बच्चा है वही सब कुछ करना चाहता है, और तुम जबरदस्ती उस बच्चे का दिल तोड़ना चाहते हो। उसे तनहा छोड़ दो। तुम चाहे जितना भी चीखो चिल्लाओ तुम उसे दबा नहीं सकते, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है। जब तक उसे जवाब नहीं मिल जाता वो खामोश नहीं बैठेगा। अब आगे तुम्हारी मर्जी है। कल कोर्ट में उसे तलाक देनी है या नहीं ये तुम्हारा फैसला होगा, मगर उसका सामना तो करना होगा। उसका सामना करो, उसकी आंखों में देखो, और तुम्हारे अंदर मौजूद उस बच्चे को उसका सामना करने दो। मजबूत नजर आने की कोशिश मत करना। उससे पूछो निजात, वो सब जो तुम्हारे दिल में है और जो बाकी है सब पूछो। जरूरत हो तो रो लेना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने लिए,
क्योंकि तुम बहुत ही खास इंसान हो जिसे खुश रहने का पूरा हक है। आइसक्रीम खाओगी तुम? हाँ, और जब वापस आओगे तो मैं यहीं मिलूंगी जहां तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। मेरा वादा है। निजात, रो लो, खुलकर रो लो निजात।